हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। अभी दोस्तों वजीर एक्स की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है जिसको आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। और हाँ, साथ ही साथ मार्केट का कंडीशन देखेंगे तो वो यहाँ पर नेगेटिव में चल रहा है। और हाँ, अभी अभी एक तुरंत न्यूज आई है, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसी वक्त न्यूज आई है कि माइकल सेलर ने दोबारा से बिटकॉइन को बाय किया है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है और मार्केट जो है वो अब पॉजिटिव में जाएगी या फिर नेगेटिव में जाएगी, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें माइकल सेलर की तो देख सकते हैं दोस्तों 14 मिनट पहले यहाँ पर एक न्यूज आई है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 301 बिटकॉइन यहाँ पर खरीदे हैं, जिसका यहाँ पर एवरेज प्राइस हो गया है 19,851 रुपया। और यहाँ पर जो बिटकॉइन खरीदे गए हैं वो 6.0 मिलियन के खरीदे गए हैं। बाकी दोस्तों अभी तक इनके पास 1,30,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन यहाँ पर इनके पास होल्ड करके रखे हुए हैं। तो क्या अब इस न्यूज से मार्केट जो है वो पैनिक में आएगी या फिर ये गुड न्यूज है और यहाँ से बीटीसी पंप करेगा? तो बीटीसी की अगर हम चार्ट में देखें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइकल सेलर का एक इतिहास रहा है कि जब जब इन्होंने बाय किया है बिटकॉइन को, तब तब बिटकॉइन का जो प्राइस है उसमें एक डंप देखा गया है। और अभी आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल हमें यहाँ पर छोटा सा देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर ये वन डे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, अगर हम यहाँ पर वन आवर का देखें तो देख सकते हैं वन आवर में भी आपको एक रेड कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये इतिहास रहा है, जब जब इन्होंने बाय किया है मार्केट जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव में गई है। तो अभी तो ओवरऑल पूरा मार्केट जो है वो नेगेटिव में है, पूरा लालम लाल बना हुआ है। हालांकि इथेरियम जो है वो भी गिरा हुआ है, बीएनबी जो है वो भी गिरा हुआ है। बाकी अगर सपोर्ट की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों ये एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है जिसको मैं अभी सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि जो प्राइस है अगर यहाँ पर आती है, अगर कुछ यहाँ पर ऐसी वैसी न्यूज नहीं आई तो हो सकता है कि यहाँ से जो प्राइस है वो पंप करे। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कल के दिनों में यहाँ पर एक हाइप बना था एफओएमसी मीटिंग के लेकर, तो उसकी वजह से जो मार्केट है वो डाउन में गई थी। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये कैंडल जो है वो ग्रीन में जाके बना था, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी अभी एक रेड कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। बाकी ये सपोर्ट मान के चलिए और ऊपर एक रेसिस्टेंस आप मान के चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट में आगे चल के क्या होता है, पर हाँ माइकल सेलर की वजह से एक छोटा सा डंप हमें देखने को मिल सकता है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। एफओएमसी की जो मीटिंग है उसकी भी यहाँ पर कुछ लिस्ट निकलने वाली है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, अभी नहीं है वो। बाकी अगर हम बात करें वजीर एक्स की तो देखिए यहाँ पर एक न्यूज आई है जहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वजीर एक्स है वो यहाँ पर 3 स्टेबल कॉइन को डीलिस्ट करने वाला है। और हाँ, ये भी बोला गया है कि वो जो स्टेबल कॉइन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा BUSD में। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं ये कब से होने वाला है, तो देख सकते हैं 23 सितंबर से यहाँ पर ये रूल होने वाला है, जहाँ पर जो कॉइन होने वाले हैं 3 वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे BUSD के पेयर में। वो 1:1 के रेशियो में होगा, अगर वो 1 है तो यहाँ पर 1 BUSD आपको मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको कॉइन बता देता हूँ कि कौन कौन से वो कॉइन है। तो देख सकते हैं ऑन September 19, 2022 द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स सेड इट वुड नो लॉन्गर सपोर्ट डिपॉजिट USDC, TUSD एंड USDP। ये 3 कॉइन है जो कि डीलिस्ट होने वाले हैं, USDC, TUSD एंड USDP। तो अगर आपके वजीर एक्स में ये 3 स्टेबल कॉइन पड़े हुए हैं तो आप चाहे तो अभी इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि 23 तारीख को हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत देखने को मिले, क्योंकि वहां पर बहुत सारे यूजर रहेंगे जिनके पास ये कॉइन होंगे, तो हो सकता है उस टाइम आपको दिक्कत हो। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये रहेगी कि ये न्यूज आपको अभी पता चल गई है, तो आप अभी इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसी दूसरे स्टेबल कॉइन में, नहीं तो ये 23 तारीख के बाद अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है USD उसमें। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि जिनको ये न्यूज नहीं पता होगा उनका अपने आप ये सब जो स्टेबल कॉइन है वो 0 हो जाएगा, तो उस टाइम पे लोग बहुत घबराएंगे। डिपॉजिट वगैरह तो हालांकि अभी से ही बंद हो गई है, तो अभी आप डिपॉजिट वगैरह नहीं कर पाएंगे, पर हाँ विड्रॉ आप अभी कर सकते हैं। 23 तारीख तक यहाँ पर डेट है, शाम 5 बजे का यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको अभी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 तारीख को यहाँ पर बाइनेंस ने भी अनाउंस किया था कि हम भी जो USDC कॉइन है और जो USDP कॉइन है और जो ट्रू USD कॉइन है उसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे BUSD में, तो इनको हम डीलिस्ट करने वाले हैं। बाइनेंस की तरफ से भी ये न्यूज आई थी 6 तारीख को, और आज जाके यहाँ पर वजीर एक्स ने भी ये न्यूज अनाउंस कर दी है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये 3 कॉइन पड़े हुए हैं या फिर इन तीनों कॉइन के पेयर में कोई दूसरे कॉइन पड़े हुए हैं तो उसको आप ट्रांसफर कर लीजिए किसी दूसरे कॉइन में। बाकी दोस्तों अगर बात हो रही है स्टेबल कॉइन की, तो मेरे तरफ से आपको एक सजेशन रहेगा कि अगर आप स्टेबल कॉइन को होल्ड करते हैं तो आप यहां पर किसी एक स्टेबल कॉइन में अपने पैसे होल्ड मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो आपका स्टेबल कॉइन है हो सकता है वो खतरे में हो। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं लूना का एक स्टेबल कॉइन आया था USDT नाम का, वो भी कैसे डूब गया था। तो हो सकता है अगर आपका पूरा पैसा एक स्टेबल कॉइन में पड़ा हो और वो स्टेबल कॉइन को कुछ हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा पैसा
पानी में चला जाएगा। तो इसलिए आप अपना पैसा 2-3 स्टेबल कॉइन में डिपॉजिट करके रखेंगे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।